हर इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो है, जितने भी इंटरनल इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, इम्पोर्टेंट का मतलब क्या है, जो खत्म हो गए, थोड़ा सा खराब हो गए तो आप एकदम क्लियर निपट जाइएगा। स्टमक में चोट लग जाए तो काफी लंबा समय लगेगा डेथ होने में। हार्ट में चोट लग जाए, लंग्स में लग जाए या ब्रेन में लग जाए तो इंस्टेंटेनियस बिल्कुल सेकेंड्स के अंदर डेथ हो जाएगी। और ये ऑर्गन्स जो है ये हाईली प्रोटेक्टेड होते हैं। हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और हम हैं मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई। आप तो जानते ही हैं हमें। और ये पीछे जो दिख रहा है ये है हमारा मस्तिष्क, हमारा है मतलब किसी व्यक्ति का है और उसको डाइसेक्ट किया गया है, तो हमारा दिमाग जो है ये ऐसा दिखता है, असली फोटो है, बहुत बेहतरीन। इसी के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ये जो ऐसा चीर के निकाला जा रहा है इसके ऊपर से, बस इसी के बारे में पढ़ना है। ये है मेनिंजियल लेयर। क्या है? मेनिंजियल लेयर, या जिसे हम मेनिंजस कहते हैं। अबे मेनिंजस क्या बला होती है कि हर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो है, जितने भी इंटरनल इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट का मतलब क्या है, जो खत्म हो गए, थोड़ा सा खराब हो गए तो आप एकदम तुरंत निपट जाइएगा, बस उसी को बोलते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। अब जैसे स्टमक है, स्टमक में चोट लग जाए तो काफी लंबा समय लगेगा डेथ होने में। लीवर में चोट लग जाए तो यदि बहुत जल्दी उसको ठीक कर लिया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हार्ट में चोट लग जाए, लंग्स में लग जाए या ब्रेन में लग जाए तो इंस्टेंटेनियस बिल्कुल सेकंड्स के अंदर डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये ऑर्गन्स जो है ये हाईली प्रोटेक्टेड होते हैं। प्रोटेक्शन के मल्टीपल लेयर्स हैं। सबसे बाहर में जो प्रोटेक्शन का लेयर होता है वो होता है बोन, उसके बाद जो प्रोटेक्शन का लेयर होता है उसे बोलते हैं एक मेम्ब्रेन, और उसके बाद होता है फ्लूइड। ठीक है, हर जगह बोन, मेम्ब्रेन और फ्लूइड का नाम अलग अलग है। अगर आप लंग्स और हार्ट की बात करें तो जो बोन है वो रिब्स हैं, उसके बाद मेम्ब्रेन की बात करें तो लंग्स के आसपास प्लूरल मेम्ब्रेन होती है और हार्ट के आसपास पेरिकार्डियम होती है। इसके बाद अगर ब्रेन की बात करें तो वहां पर मेनिंजस होता है। इसके बाद अंदर में फ्लूइड भरा हुआ होता है। अब बोन के अंदर में मेम्ब्रेन इसलिए है कि ऑर्गन जो है वो बोन के साथ ऐसे टकराएगा झटका लगने से, ऐसे घिस जाएगा, खराब हो जाएगा, तो बीच में मेम्ब्रेन है ताकि फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाए, फ्रिक्शन खत्म हो जाए। इसके बाद अंदर में लिक्विड भरा होता है जो शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है कि बाहर से अगर बहुत जोर से चोट लगती है, झटका लगता है तो ऑर्गन खराब ना हो, वो जो लिक्विड है उस पूरे शॉक को ऑब्जर्व कर ले। तो बस ऐसा ही हमारा एक मेनिंजस के लेयर के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ जो पील ऑफ करके दिखाया जा रहा है ये मेनिंजस का एक लेयर है। मेनिंजस जो है वो तीन लेयर से मिलकर बने होते हैं। एक होता है उसे हम लोग कहते हैं ड्यूरा मैटर, जो ड्यूरेबल होता है, तो ड्यूरा मैटर। दूसरा होता है उसे कहते हैं आर्कनॉइड, और तीसरा होता है उसे हम कहते हैं पाया मैटर। कई लोग पिया मैटर भी बोल देते, पिया मैटर बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, पिया पिया हो, पिया पिया वाला गाना याद आ जाता, तो इसीलिए पाया मैटर। ठीक है, पिया अच्छा नहीं लग रहा, तो ड्यूरा मैटर, आर्कनॉइड और पाया मैटर। अब ये जो यहाँ पर पील आउट करके दिखाया जा रहा है इस फोटो में, आपको आपको दिख रहा होगा कि ये ब्रेन है, पूरे स्कल को ऊपर से कट करके ओपन कर दिया गया, तो खोपड़ी जो है पूरा कट करके ओपन कर दिया गया, ये ब्रेन, और ब्रेन के ऊपर में एक ऐसा छिलका जैसा निकल रहा है। यही छिलका क्या है, ये मेनिंजस का सबसे आउटर लेयर है ड्यूरा मैटर। ये जो निकाला जा रहा है ये क्या हुआ, ये हुआ ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड होती है। ठीक है, इसके बाद जो आर्कनॉइड होता है वो फाइब्रस होती है, और पाया मैटर बहुत पतली सी होती है और कभी निकलती नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, मैं थोड़ा मार्क करने की कोशिश करता हूँ, ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये थोड़ा सा येलोइश सा, लाइट येलो सा कलर दिख रहा होगा ना आपको, ये पाया मैटर है। ठीक है, और बीच बीच में आपको ऐसा रस्सी जैसा दिखेगा कहीं कहीं पर, ये जो धागे या रस्सी जैसा दिख रहा होता है ये आर्कनॉइड होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा, तो कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आउटर जो सरफेस होगा वो उसको ड्यूरा मैटर बोलेंगे। ड्यूरा मैटर को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, ऐसा बनाते हैं। ड्यूरा मैटर के भी दो लेयर होते हैं। ड्यूरा मैटर का आउटर वाला लेयर होता है, इसे हम लोग बोलते हैं एंड ऑस्टियल मेम्ब्रेन, और इस वाले को हम लोग बोलते हैं मेनिंजियल मेम्ब्रेन। एंड ऑस्टियल इसीलिए क्योंकि ऑस्टिया का मतलब हड्डी होता है, इसका जस्ट ऊपर क्या है, स्कल, स्कल की तरफ है, बोन की तरफ है, इसलिए इसे बोलते हैं एंड ऑस्टियल मेम्ब्रेन। और नीचे वाला जो लेयर होता है इसे कहते हैं मेनिंजियल मेम्ब्रेन, क्योंकि इस तरफ मेनिंजस है, मेनिंजस की तरफ वाला लेयर, दोनों के बीच में गैप है, ये जो ब्लैक सा गैप बच गया है, इस गैप को कहा जाता है सब ड्यूरल साइनस, ड्यूरा के नीचे वाला सब ड्यूरल साइनस। ठीक है, सब ड्यूरल साइनस। इसके नीचे फाइब्रस लेयर होती है, कुछ इस तरीके से फाइब्रस लेयर होती है,
इसको आप ऐसे फाइबर की तरह निकाल सकते हैं, अलग हो सकता है, ठीक है ऐसा। ये वाला जो लेयर है ड्यूरा मैटर और इस आर्कोनाइट के बीच में, इसको आर्कोनाइट बोलेंगे, ड्यूरा मैटर और आर्कोनाइट के बीच में एक स्पेस होता है, इसे सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। सब ड्यूरल साइनस है ऊपर और यह है सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस, ठीक। और इसके नीचे बहुत ही पतला सा महीन सा चिपका हुआ पाया मैटर होता है, पाया मैटर। पाया मैटर जो है वो ब्रेन से ऐसा चिपका हुआ होता है कि वो बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता। ये हार्ड होगा, ये फाइब्रस होगा और ये बहुत ही सॉफ्ट सा होगा पाया मैटर। ये सॉफ्ट हो, हार्ड फाइब्रस और सॉफ्ट, हार्ड फाइब्रस और सॉफ्ट, ठीक है। चलिए तो तीन लेयर हो गए। अब ये जो पाया मैटर वाला लेयर होता है, ये पाया मैटर वाला लेयर जब नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा का मतलब मैंने इतना हिस्सा बस बनाया है, ये पूरा पीछे की तरफ जाएंगे, पूरा मेनिंजियल लेयर यहाँ नीचे इस तरफ जाने के बाद ये अंदर की तरफ घुसते हैं। अंदर की तरफ घुसते हैं मतलब ब्रेन नीचे से ऐसे खुला हुआ है, चारों तरफ से गोल पैक तो है नहीं, नीचे की तरफ से खुला हुआ है, तो उस स्पेस में जा करके ये घुस जाते हैं। ड्यूरा मैटर जब उस स्पेस में घुसता है तो उसे क्रूरा सेरेब्री कहते हैं। नाम टफ है लेकिन याद करना पड़ेगा, क्रूरा सेरेब्री कहते हैं, सॉरी। और पाया मैटर जो है अंदर जाकर एक चीज बनाते हैं, उसे बोलते हैं प्लेक्सस। उस प्लेक्सस में से फिर बनता है फ्लूइड, जिसे हम कहते हैं सीएसएफ। तो पाया मैटर जो है वो सीएसएफ बनाता है, ये सीएसएफ जो है इस गैप में फ्लो करता है, ये जो गैप है आर्कनॉइड मैटर में, तो आर्कनॉइड मैटर में ये फ्लो करता है, और जब इसको खत्म होना होता है, इसे ड्रेन आउट होना होता है, तो ये जाकर के ड्यूरा मैटर में ड्रेन आउट हो जाता है। तो पाया मैटर जो है वो सीएसएफ को बना रहा है, टेक्निकली सीएसएफ बनाता है। आर्कनॉइड जो है वो सीएसएफ वहां पर बहता है, और ड्यूरा मैटर जो है वहां पर जाकर सीएसएफ खत्म हो जाता है। अब सीएसएफ क्या है, सीएसएफ होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यहां तक ठीक, बहुत सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही समझाना था। और इसका एक्चुअल फोटो मैंने आपको ऊपर दिखा भी दिया है, ठीक है, ये वाला। इसमें ड्यूरा मैटर को अलग करके दिखाया गया है और बाकी का जो लेयर है कुछ इस तरीके से होगा। ड्यूरा मैटर के नीचे धागे धागे निकलेंगे और उसके बाद पाया मैटर निकलेगा। अब चाहे तो YouTube पे और भी वीडियोस अवेलेबल हैं जिनमें सर्जरी की वीडियोस दिखाई गई हैं, उन सर्जरी की वीडियोस को देखिएगा, ब्रेन का डाइसेक्शन देखिएगा, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो जाएगा। आज का ये डाउट क्लियरिंग सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और नहीं अच्छा लगा है तो लाइक मत करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो भले आपको अच्छा ना लगा हो लेकिन कोई ना कोई तो लग जाएगा। मैं भी हूँ, सुभाष सर हैं, रवि सर हैं, बहुत मेहनत कर करके वीडियो बना रहे हैं। एक नहीं अच्छा लगेगा, 600-700 वीडियो है, एक आठ हो तो अच्छा लगेगा। जो अच्छा लगेगा उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना, और जब तक कोई वीडियो अच्छा नहीं लगता तब तक सारे वीडियो देखते रहना, ठीक है। तो जिस दिन अच्छा लग जाए उस दिन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वाला अगर लग गया है तो लाइक करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको करना है, और कमेंट करना है, और दोस्तों के साथ शेयर करने का मन हो तो वो भी कर दीजिए, हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो व्यू काउंट बढ़ाइए, और जितना व्यू उतना लाइक, समझ में, पूरा एकदम करेक्ट। अरे हाँ, थैंक यू वेरी मच।